हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टिक्स किचन। आज का रेसिपी एक वेजिटेरियन स्टार्टर है जो बनाने में काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये वीडियो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज पहली बार मैंने एयर फ्रायर का यूज़ किया अपनी रेसिपी में। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो प्लीज़ अभी मार्केट जाइए और ख़रीद लीजिए, नहीं तो फिर वही सेम ओल्ड, बहुत सारे तेल में फ्राई करना पड़ेगा। तो भाई, मेरा रिकमेंडेशन तो यही है कि ख़रीद लीजिए और थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस बनिए, नहीं तो फिर चलिए फिलहाल के लिए रेसिपी पे आते हैं। तो आज हम बनाएंगे क्रिस्पी गोभी और इसे हम एक मेयो डिप के साथ सर्व करेंगे। क्योंकि ये रेसिपी मैंने पूरी तरह से एयरफ्रेम में बनाई है, इसमें हमें ज़्यादा कुछ काम करना नहीं है। गोभी काटनी है, उसे कोट करना है और एयरफ्रेम में डालना है। तो आपकी ये रेसिपी 30 मिनट के अंदर तैयार हो जानी चाहिए। तो प्लीज़ ट्राई करिए और मुझे कॉमेंट्स में बताइए कि आपको कैसी लगी, ताकि मैं कुछ और एयरफ्रायर की रेसिपीज़ इंक्लूड कर सकूँ अपने चैनल पर। तो चलिए फ़िलहाल के लिए ट्राई करते हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो गोभी, एक कप पैनको ब्रेड क्रम्स। अगर पैनको ब्रेड क्रम्स अवेलेबल नहीं है तो आप रेगुलर ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं। दो अंडे, दो टेबलस्पून चिली सीजनिंग, इसके इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। चार टेबलस्पून मेयो, पांच गार्लिक क्लोव्स, ऑयल स्प्रे करने के लिए और दो टीस्पून हॉट सॉस। मैंने यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप की हॉट सॉस यूज़ करी है, बट आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम मेयो डिप बना लेंगे। मेयो डिप बनाने के लिए हम एक बोल में चार टेबलस्पून मेयो ले लेंगे। इसमें अब हम पांच गार्लिक क्लोव्स को मिंस करके डालेंगे। अगर आपके पास ये मिंस करने के लिए टूल नहीं है तो आप गार्लिक को बारीक चॉप करके भी इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे दो टीस्पून हॉट सॉस। इसे अच्छे से मिक्स करके फ्रिज में थोड़ी देर के लिए स्टोर कर लेंगे। गोभी को एयर फ्राई करने से पहले हम उसकी कोटिंग बनाएंगे। कोटिंग बनाने के लिए हम दो अंडे फेंट लेंगे। अंडे हमारे कोटिंग की पहली लेयर होने वाली है। दूसरी लेयर के लिए हम पैनको ब्रेड क्रम्स में हमारी चिली सीजनिंग मिक्स कर लेंगे। सीजनिंग और पैन को मिक्स करने के बाद अब हम गोभी को कोट करना शुरू करेंगे। इसे अब हम 14 मिनट के लिए एयर फ्राई करेंगे। हाफ टाइम होने के बाद हम गोभी को पलट लेंगे और थोड़ा सा ऑयल स्प्रे कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।